एवरीवन, वेलकम बैक टू मिनी गार्डन। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। लो फिर आ गई हूँ मैं आज नर्सरी और यहाँ की स्टार्टिंग कर रही हूँ। ये बोगनविलिया देखो कितना प्यारा कलर है, मस्टर्ड कलर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है और फ्लावरिंग बहुत हैवी हो रही है। यहाँ मैं आ जाऊँगी फिर नर्सरी की, हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज थोड़ा टाइम मिला मैं से नर्सरी आती हूँ और कुछ प्लांट जो शेयर भी करती हूँ आपसे कि जो विंटर सीजन में अभी आप ये प्लांट लगा सकते हो, फ्लावरिंग प्लांट। और वैसे भी बहुत से फ्लावरिंग प्लांट आ रखे हैं, पहले आपसे मैं दिखाती हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड, ये देसी रोज़ है, बहुत ही सुंदर है, गुच्छों में खिल रहे हैं, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये वाइट कलर का दिख रहा है और आपको एक रोज़ और दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितना सुंदर है। ये इंग्लिश रोज़ बताते हैं ये, और बहुत प्यारा कलर है इसमें, देखिए डबल शेड है। और ये जो शेड वाइट नहीं है, इसमें क्रीम कलर का शेड है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये इधर है सब बोगनविलिया के प्लांट्स, और जो बोगनविलिया है मुझे सबसे सुंदर ये लग रहा है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें डबल कलर है, जैसे ये है रेड, उसमें वाइट कलर का शेड है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो बोगनविलिया इस साइड जितने एरिया में है बोगनविलिया है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड ये देखिए, इस समय गुलदावरी के प्लांट बहुत खिल रहे और बहुत ही सुंदर लग रहे। अगर आप इस समय लगाना चाहते हो, अगर आपने कटिंग लगाई है तो कटिंग लगा लीजिए, अगर आपको नर्सरी से लाना है तो ये देखिए। वैसे ये छोटे प्लांट में लेगी थी फ्रेंड 20 रुपीज़ के, आपने देखा होगा ये बहुत खिल रहे। अब ये जो दे रहे हैं ना, इसमें ये 80 रुपीज़ का दे रहे हैं, तो काफ़ी कॉस्टली हो चुका है ये प्लांट। और कितने सुंदर लग रहे हैं ना, इसमें लीव्स तो बहुत कम है बट इसमें फ्लावरिंग बहुत हैवी दिख रही है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और येलो कलर बहुत प्यारा लग रहा है, और कलर तो है और येलो कलर बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब ये जो प्लांट है ना, ये मिल रहा है अब यहाँ पर 80 रुपीज़ का, और ये है डॉग फ्लावर। आप इसको भी लगा सकते हो फ्रेंड, इस समय बहुत अच्छा है, विंटर सीजन के प्लांट है। अगर आप लगाना चाहते हो ये भी लगा लीजिए, बहुत ही सुंदर लगता है, विंटर सीजन में बहुत खिलेंगे। और ये जो फ्लावर्स है ना, ये मार्च तक जरूर से खिलते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इस साइड है गजीनिया, ये है गजेनिया, और एक कलर इसके जो है छोटे छोटे पफ भी निकलते हैं, बहुत सारे निकलते हैं। और ये हमारे आगे नर्सरी वाले भैया, नमस्ते, इनकी बहुत बड़ी नर्सरी है, मैं यहीं से लेके जाती हूँ, बहुत प्लांट्स है यहाँ पर। और ये है कैलेंडुला बोलते हैं इसको ना भैया, हाँ, ये भी बहुत सारे, और विंटर सीजन में इसको बहुत लगाओगे, मार्च तक बहुत खिलते हैं। और ये पिटूनिया जो मैं लेके चली गई थी, और ये कलर भी बहुत है, एक कलर के ज्यादा दिख रहे भैया इसमें। फेस पैक भी बनता है कैलेंडुला के जो पेटल्स हैं। हाँ जी, ये पेटल्स हैं, इसको निकाल के इसके सीड्स आएंगे ना, सीड्स आते हैं, पर इसको पत्तियों जो पंखुड़ी है उसे पीस करके इसमें चंदन और चंदन डाल दो, थोड़ा क्रीम मिला दो, अच्छा, और ग्लिसरीन मिला दो चेहरे पे लगाने के लिए, अच्छा फेस के लिए, अरे वाह, फेस पैक है। तो ये कैलेंडुला के जो लीव्स है उसको पीस कर, ये पेटल्स हैं, अच्छा इसको इसके पेटल्स पीस कर और इसमें चंदन मिलाकर फेस पैक बनता है। हाँ, चंदन मिला दो, इसमें ग्लिसरीन मिला दो, ग्लिसरीन वगैरह, चंदन मिला, ये बहुत अच्छा आपने बताया हमें काफी अच्छा है। तो ये देखिए, और मैं आपको दिखाती हूँ, और ये डेलिया कितने के हैं भैया? काफी अच्छे लग रहे हैं, छोटे वैरायटी के हैं, ज्यादा बड़े प्लांट भी नहीं है। 30 रुपीज़ का है, 30 रुपीज़ का, ये देखिए 25 से 30 रुपीज़ का। और कलर देखिए बहुत ही सुंदर है, और छोटे फूल है बट बहुत प्यारे लग रहे हैं। पम्पम वैरायटी है, इसमें देखो ये वाइट, ये अच्छा, ओके, वाइट भी है, वाइट बहुत प्यारे लग रहे हैं, पिंक भी है, पिंक कलर, मतलब इसमें जितने भी कलर हैं बहुत ही प्यारे कलर लग रहे हैं इसमें, और रेड कलर कुछ ज्यादा ही सुंदर है। तो डेलिया की कटिंग भी लगा सकते हो, और अगर नर्सरी से लाना चाहते हो तो इसमें दो वैरायटी, एक बहुत बड़ी वैरायटी है तो इसमें काफी बड़े फूल खिलते हैं, और एक छोटी वैरायटी, जैसे आप देख रहे हो ये छोटी वैरायटी है, और इसमें फ्लावरिंग बहुत हैवी होती है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसको आप पॉट में लगाए या फिर आप नीचे भी लगा सकते हो। और यहाँ दिखाती हूँ स्ट्रॉबेरी, और भैया स्ट्रॉबेरी कितने की है? स्ट्रॉबेरी 40 रुपए, अच्छा 40 की है, तो अच्छा प्राइस है, अभी ठीक है, थोड़ा जब महंगा आता है ये, मैंने क्योंकि पिछले साल में 80 रुपीज़ का प्लांट ले गई थी एक,
जो घर में ही दे के गए थे मुझे, काफ़ी अच्छे प्राइस मिल जाते हैं। मैं यही नर्सरी में आती हूँ और आप देख सकते हो साल्विया के जो प्लांट लेके गई थी, साल्विया के प्लांट भी बहुत अच्छे हो रखे हैं और कलर भी बहुत अच्छे हैं। तो आप इस समय आप ये विंटर फ्लावरिंग आप लगा सकते हो फ्रेंड, बहुत ही काफ़ी अच्छे हैं। ये कैलेंडुला के देखिए भी छोटे छोटे भी इन्होंने पॉली बैग में लगा रखे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और कैलेंडुला के जो प्राइस है भैया कितने के होंगे ये? 20 रुपीज़ का, तो बहुत अच्छा प्राइस है। हमारे इधर जो प्राइस है ना 20 रुपीज़ के फ्लावरिंग प्लांट, जितने आप ये डाइंथस देख रहे हो, साल्विया देख रहे हो, ये जितने भी हैं ये सब हैं 20 रुपीज़ के। और भैया ये कौन सा फ्लावर्स है? ये वाला। और फ्रेंड्स ये डेजी है, ये भी 20 रुपीज़ का है, ये भी 20 रुपीज़ का है। हाँ जी, ये थोड़े ये गुच्छे में फूल आते हैं, अगर इस काफ़ी फ्लावरिंग हो जाती है तो घर में ही आके 50 रुपीज़ के 40 रुपीज़ में आके देख जाते हैं। और ये अभी पॉली बैग में है जो कि 20 रुपीज़ के आपको मिल जाएगा। और ये पैंसी है, पैंसी भी 20 रुपीज़ के हैं, काफ़ी इस समय आप लगा सकते हो। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है विंटर में जितने हो सके काफ़ी लगाइए, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये है फ्रेंड्स जेरेनियम, काफ़ी छोटे प्लांट है, अभी भी 50 रुपीज़ का है, और जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तब भी ये 50 रुपीज़ का ही है। तो ये प्लांट थोड़े कॉस्टली ही आते हैं फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि ये परमानेंट है। अगर आपके पास रहेगा तो ये अगले साल भी आप इसकी थोड़े जब बड़े प्लांट हो जाते हैं ना तो आप तभी भी ला सकते हो। तो ये हमारे इधर की जो कृष्णा नर्सरी है, तो ये बहुत अच्छी नर्सरी है। कभी आपको पता होगा ये झांझरा में पड़ता है, अगर आप देहरादून के तो आप यहाँ ज़रूर से एक बार विजिट करना, काफ़ी अच्छी नर्सरी है और प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, तो आप ज़रूर से यहाँ पर आइए। तो कैसी लगी आज की मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके फ्रेंड ज़रूर से बताना, और मेरी नर्सरी विजिट आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर से बताना। मेरी यहाँ की नर्सरी आपको कैसी लगी? काफ़ी अच्छी है, यहाँ आके मन खुश हो जाता है और माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो आइए आप भी नर्सरी जहाँ आपके पास पड़ती है ज़रूर से एक बार विजिट करके आना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मिलती हूँ फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्लांट के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।